जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारत द्वारा यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मेष राशि के संबंध में जानकारी दे रहा हूँ। मेष राशि 2021 में कैसी रहने वाली है, मेष राशि का कैसा योग है, ग्रहण की कैसी दृष्टि है, मेष राशि के संतान और धन प्राप्ति के कैसे योग है, नौकरी और बिजनेस के कैसे योग रहेंगे, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेष राशि 12 राशियों में से सबसे पहली राशि मेष राशि होती है। मेष राशि से ही गणना की जाती है। मेष राशि का बहुत ही अच्छा योग आप 2021 में कह सकते हैं। मेष राशि वालों के परिवार जो स्थिति है, पारिवारिक जो स्थिति रहेगी वह बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सूर्य का साल की शुरुआत में शुभ योग है जो मेष राशि के नवे भाव में रहेगा। मेष राशि के प्रथम भाव में मंगल का गोचर रहेगा साल के शुरुआत में, जो मेष राशि के आत्मबल को बढ़ाएगा। मेष राशि वालों को नया उत्साह मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठित लोगों के साथ में आपकी मुलाकात होगी। आपके मन में किसी कार्य के लिए चिंता है, आप असमंजस में हैं कि ये मेरा कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा, मेष राशि वालों को उस कार्य में भी जो है रास्ते नजर आएंगे। मेष राशि के दशम भाव में शनि और नीच गुरु का गोचर रहेगा अप्रैल तक, उसके बाद में गुरु निकल जाएंगे। मेष राशि के जिस दशम भाव में यह गोचर है वह महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी दशम भाव पिता से भी संबंध रखता है, व्यापार से भी संबंध रखता है, इंसान कैसी तरक्की करेगा इससे भी यह भाव संबंध रखता है। तो शनिदेव के द्वारा आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी, गुरु भी आपको सहयोग देंगे। सूर्य और चंद्रमा दोनों आपकी किस्मत का फैसला करेंगे। साल की शुरुआत में कोई नई खुशी आपके पास आएगी, माता पिता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। परिवार में थोड़े से मतभेद भी पैदा हो सकते हैं क्योंकि सूर्य और शुक्र एक साथ हैं, शुक्र ग्रस्त जीवन का दायित्व निभाते हैं लेकिन सूर्य को जो है अपना शत्रु मानते हैं। जब साल की शुरुआत होगी तो कोई ऐसे कार्य आपके बन सकते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो, और ग्रस्त जीवन में कोई ऐसा समय भी आ सकता है जिसकी वजह से आपको टेंशन भी हो, तो आप टेंशन किसी प्रकार की ना करें, भाग्य आपका बहुत ही अच्छा है। मेष राशि वालों के लिए जनवरी बहुत ही अच्छा महीना रहने वाला है। जनवरी के महीने में संतान और धन प्राप्ति के अच्छे खासे योग रहेंगे। मेष राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी विद्या में अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अगर आप अपने करियर की सोच रहे हैं तो उसके भी रास्ते आपको नजर आएंगे। मेष राशि वालों की जो महिलाएं हैं उनको भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। संतान की जो उनकी टेंशन थी वह भी अब शीघ्र ही दूर होंगी। शादी की अगर अड़चने आ रही थी तो शादी की अड़चने भी दूर होंगी। मतलब ये लगा लीजिए कि सभी राशियों में मेष राशि का बहुत ही अच्छा भाग्य आप कह सकते हैं और आने वाला 2021 बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो आप बड़े उत्साह के साथ में 2021 का स्वागत कीजिए और 2020 को भूल जाइए। भगवान की तरफ ध्यान जरूर रखें। जब साल की शुरुआत हो तो हनुमान जी के नाम से आप शुरुआत करें और मंगलवार को हनुमान जी के चोले चढ़ाना प्रारंभ कर दें। हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हनुमान जी की पूजा अगर आप करते रहेंगे तो आने वाले समय में प्रत्येक कार्य में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। तो 2021 बहुत ही शुभ रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों की सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी, सारे अच्छे ही कार्य बनेंगे और भूमि संबंधित भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे, आपका अपना खुद का मकान का योग नहीं बन रहा था तो वह भी मेष राशि वालों का बनेगा। तो आप इस प्रकार से समझिए कि मेष राशि का बहुत ही बढ़िया भाग्य 2021 में रहेगा। तो ये थी मेष राशि की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी। आने वाले समय में प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, सबको अपनी राशि के बारे में पता चल सके मेष राशि वालों को, और हनुमान जी की कृपा से आपका 2021 मंगलमय हो, शुभ हो।
ओम हनुमंते नमः।